प्लीज लेना मैं भूल जाती हूँ, कॉपर टी में लगवाना नहीं चाहती हूँ और बच्चा बंद करने का ऑपरेशन हस्बैंड करवाना नहीं चाहते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सबीना, आई वी स्पेशलिस्ट इन गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिशा, जहाँ पर हम बात करते हैं वेमेंस हेल्थ के बारे में। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप कोई भी हार्मोनल, नॉन हार्मोनल या ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते एज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो आप नेचुरल वे से किस तरह से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फैम, फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड। सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मेथड के लिए, आपको अपनी साइकिल की जो लेंथ है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी साइकिल्स इररेगुलर है, मतलब कभी 21 दिन से बाद में आते हैं या 35 दिन चढ़ चढ़ के आते हैं, या फिर कभी 20 दिन में आ गए, कभी 28 दिन में आ गए, कभी 35 दिन में, कभी 40 दिन में, तब आपके लिए ये मेथड बिल्कुल काम का नहीं है। ऑब्वियसली अगर साइकिल ही रेगुलर नहीं है तो आपके आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ भी आपको नहीं पता होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड को आपको करना कैसे है। इसमें हमें पता लगाना है कि आपका फर्टाइल पीरियड क्या है। फर्टाइल पीरियड आप सबको पता है, एक वो विंडो होती है, वो फर्टाइल विंडो होती है जिस टाइम पे अगर आप आपस में संबंध बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस, सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी चांसेस ठहरने के रिस्क इस टाइम पर होते हैं। अगर आप अपने साइकिल में ये टाइम फिक्स कर लें कि फर्टाइल पीरियड कब होता है, तब आपकी जो प्रेगनेंसी उस टाइम पे आप वो सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, आप पेनिट्रेटिव सेक्स उस टाइम पे अवॉइड कर सकते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा कॉन्डम वगैरह जो भी है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये जो पीरियड है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि फर्टाइल पीरियड पता करने के लिए इस मेथड को आपको कम से कम 3 से 4 महीने लगातार करना है। देखिए होता क्या है, अगर तो आपकी साइकिल की लेंथ हर 28 दिन पे है, मतलब 1 तारीख को शुरू होता है और अगला साइकिल हमेशा 29 तारीख को आ ही जाता है, मतलब जो दो साइकिल्स के बीच में लेंथ है वो 28 दिन की है, तब आपको पता है कि जो ओवुलेशन होगी, मतलब जो एग रिलीज होता है ओवरी में से, वो होता है 14 दिन प्रायर टू योर नेक्स्ट पीरियड। मतलब कि अगर 29 तारीख को आपके पीरियड्स आने वाले हैं तो एग जो है वो अराउंड डे 14 के करीब रिलीज होगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। ओवुलेशन अगर 14 डेज प्रायर टू योर नेक्स्ट पीरियड्स, अगर आपकी साइकिल बिल्कुल रेगुलर है, मतलब कि 28 दिन के साइकिल है जिसमें आपको पता है कि ओवुलेशन हमेशा मेरे 14वें दिन पे ही होती है, तो आप बिल्कुल टेंशन इस चीज़ के लिए मत लीजिए। आप क्या करिए, आप अपने 28 डेज के साइकिल में डे 10 से डे 20 तक आपस में जो कॉन्टैक्ट है उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली कीजिए, पेनिट्रेटिव सेक्स अवॉइड कीजिए और जो एक्स्ट्रा कॉन्डम वगैरह है वो यूज़ कीजिए, ठीक है। लेकिन उन पेशेंट्स का क्या जिनको ये नहीं पता है कि अगला साइकिल जो है वो 29 दिन पे आएगा, 30 दिन पे आएगा, 31 दिन पे आएगा या 32 दिन पे आएगा, उन पेशेंट्स के लिए क्या करें? उन पेशेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप पिछले 3 से 4 महीने का रिकॉर्ड बनाकर रखें कि आपकी साइकिल की लेंथ जो है वो क्या है। समझ लीजिए आपका पीरियड जो है फर्स्ट को आया है और सेकेंड पीरियड जो अगला आया है वो आया है 29th को, तो इस केस में आपकी साइकिल लेंथ होगी 28 डेज। अगला जब आपका पीरियड आता है तो फर्स्ट को आता है लेकिन 29th के बदले आपका आता है 30th को, तो आपकी साइकिल लेंथ होगी 29 डेज। इन दोनों पीरियड के बीच में 29 दिन है तो आपकी साइकिल की लेंथ होगी 29 दिन, ठीक है। ऐसे ही अगर 30 दिन पे नहीं आता और 31 को आता है, 31वें दिन पे आता है, तो आपकी होगी साइकिल की लेंथ 30 डेज। ऐसे ही अगर 30 डेज पे नहीं आता और 28 दिन पे आ जाता है, हर 28 पे आ जाता है, तो साइकिल की लेंथ होगी 27 डेज। इस तरह से आप 1-2 दिन भी अगर ऊपर नीचे हैं उसको आप एक डायरी बनाइए, मेंस्ट्रुअल डायरी लिखिए, उस पर पूरा ये रिकॉर्ड कीजिए। इसको आप करने के लिए आप कोई भी ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, आजकल तो वो मेंस्ट्रुअल ऐप वगैरह भी आते हैं ना, उस पर भी आप अपना डेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक डायरी बनाइए। अब उसमें आपको देखना क्या है, आपको दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आपको अपना शॉर्टेस्ट साइकिल देखना है और फिर आपको अपना लॉन्गेस्ट साइकिल देखना है। मतलब अगर मैं इस साइकिल में बात करूं तो सबसे शॉर्टेस्ट साइकिल है 27 डेज का और सबसे लॉन्गेस्ट साइकिल जो है वो है 30 डेज का, ठीक है। यही आपको समझ आएगी, मतलब कभी जो सबसे शॉर्टेस्ट मेंस्ट्रुअल लेंथ है वो है 27 डेज की और लॉन्गेस्ट जो है वो है 30 डेज की, ठीक है। तो अब जो फॉर्मूला हमारा क्या है इसमें, शॉर्टेस्ट साइकिल -18 एंड लॉन्गेस्ट साइकिल -11। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि शॉर्टेस्ट साइकिल -18 और लॉन्गेस्ट साइकिल -11, ठीक है। मतलब कि अगर शॉर्टेस्ट साइकिल हमारा 27 दिन का है, हम उसमें से 18 माइनस करेंगे तो आता है डे 9 और लॉन्गेस्ट साइकिल में से अगर हम 11 माइनस करते हैं तो आता है डे 19।
मतलब कि ये जो डे 9 से लेकर डे 19 तक आपका सबसे ज़्यादा फर्टाइल पीरियड है, इस टाइम पे आप आपस में सेक्स करना, आपस में इंटरकोर्स करना अवॉइड कीजिए, अदरवाइज पूरा प्रिकॉशन लीजिए, कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्डम यूज़ करिए या दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करिए, बट दिस इज़ द हाइएस्ट रिस्क फैक्टर कि इस टाइम पर आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। इस मैथड को हम बोलते हैं फर्टिलिटी अवेयरनेस मैथड। ये उस पेशेंट्स के लिए हैं जिनके साइकिल ऑलमोस्ट रेगुलर हैं लेकिन कभी कभी भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो हमें एक एक दिन का भी हिसाब रखना पड़ता है, इसलिए वी हैव इंट्रोड्यूस दिस फॉर्मूला। ठीक है, और अगर आपके बिल्कुल रेगुलर है तो बस उसमें से माइनस 14 कीजिए, आपकी ओवुलेशन डे आ जाएगी, तो अपने साइकिल से 10 दिन से लेके अपने बाकी के 10 दिन मतलब डे 10 से लेके 10 डेज के लिए आपस में जो इंटरकोर्स है वो अवॉइड कीजिए, बाकी जो डेज होते हैं वो ऑलमोस्ट सेफ होते हैं। ठीक है, लेकिन यस, आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि फेलियर रिस्क, ऐसा नहीं है कि इसका फेलियर रेट ही नहीं है, क्योंकि देखिए हमारी जो बॉडी में कोई ऐसे कैमरा या दूरबीन तो ऐसे लगी नहीं हुई कि पता चल जाएगा कि अच्छा अब अंडा फूट रहा है और अब स्पर्म्स आपस में मिल रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप इस टाइम पे नहीं भी करते हैं तो जो हमारे स्पर्म है, अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो हमारी बॉडी में 5 to 7 डेज के लिए रह सकता है। ठीक है, तो बाय चांस आपका वो फर्टाइल पीरियड नहीं चल रहा है, लेकिन बाय चांस अगर आपका ओवुलेशन पहले हो गया रप्चर या बाय चांस बाद में हुआ और स्पर्म हमारी बॉडी में प्रेजेंट हुआ, तो प्रेगनेंसी के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि फेलियर रेट तो इसका है ही है। बट ऑब्वियसली इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, इसमें आपको कोई काम छाम नहीं करना है, कोई कॉपर्टी टाइप नहीं है इसमें, तो येस यू कैन यूज़ बट विद द प्रॉपर अवेयरनेस कि क्या है। अगर बिल्कुल ठीक आप कैलकुलेट करते हैं तो अराउंड 90 to 95% तक आप प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं विद दिस मैथड। ठीक है, तो ये हो गया फर्टिलिटी अवेयरनेस मैथड, जिस टाइम पर आपको अपने फर्टाइल पीरियड के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड। अब सेकंड मेथड है कोइटस इंटरप्टस, इसको हम विड्रॉल मेथड, पुल आउट मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स जब इजेकुलेशन होने वाली होती है तो मेल पार्टनर अपनी पेनिस को विड्रॉ कर लेता है और इजेकुलेशन फीमेल बॉडी के अंदर ना होकर बाहर हो जाती है। मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द सेल्फ कंट्रोल इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए मेल पार्टनर के ऊपर। दूसरा है, अगर सेल्फ कंट्रोल हो भी जाता है, आप अच्छे से विड्रॉ भी कर लेते हैं, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अराउजल क्या होता है, देयर इज सम प्रीकम, मतलब कि कुछ ऐसी सेक्रीशंस होती हैं, ऐसी फ्लूइड होती है जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये इनवॉलंटरी सेक्रीशंस होती हैं। ये जो सेक्रीशंस है ये बहुत ही कम अमाउंट में होती है, मगर कभी कभी इनके अंदर स्पर्म्स भी पाया जाता है। ठीक है, और अगर आपका जैसे एक बार आपने इंटरकोर्स कर लिया, उसके बाद आपने जो सेकेंड एक्ट ऑफ इंटरकोर्स किया और आपने अपना जो पेनाइल एरिया है उसको अच्छी तरह से वॉश नहीं किया, तो ऑब्वियसली जो स्पर्म्स है वो उसके आसपास ही रहेंगे, तो जब आप नेक्स्ट इंटरकोर्स करेंगे तो प्रीकम के साथ ये जो स्पर्म्स हैं ये मिक्स हो जाएंगे और प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा देंगे। तो इसका ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है अगर आप ये मेथड जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले 1 से 2 बार ज़रूर कॉन्डम यूज़ करिए, कॉन्डम के साथ आप इस मेथड को यूज़ करिए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो आपकी बॉडी आपको क्या साइंस क्या सिग्नल देती हैं कि इजेकुलेशन होने वाली है, ताकि आप टाइमली विड्रॉ कर सकें। ठीक है, और इस मेथड को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप कुछ अपनी ओवुलेशन विंडो, जैसे मैं आपको ये बताया है फर्टाइल विंडो, आप ट्रेस कर सकते हैं और जिस टाइम पर आपका मैक्सिमम चांसेस हैं प्रेगनेंसी के, आप उस टाइम पर ये जो थोड़े ही अवॉइड कर सकते हैं कोइटस इंटरप्टस, या फिर इसके साथ आप कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं। आप मेल कॉन्डम यूज़ कीजिए या फीमेल कॉन्डम यूज़ कीजिए, बट टू इंक्रीज इस एफिशिएंसी रेट एंड टू डिक्रीज द फेलियर रेट, आप ये जो मेथड है बाकी मेथड्स के साथ क्लब कर सकते हैं। आप अपना ओवुलेशन को ट्रेस कर सकते हैं। कैसे ट्रेस कर सकते हैं? एक तो आपको फर्टाइल पीरियड पता है, ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या बताया हुआ है, आप अपना सर्वाइकल म्यूकस से ज़्यादा अच्छा कोई साइन नहीं है जो आपकी बॉडी आपको देती है। फर्टाइल पीरियड तो फिर भी ऊपर नीचे हो जाता है, सर्वाइकल म्यूकस अगर आप डेली से ट्रैक करके आ रहे हैं, जैसे आपके पीरियड्स खत्म हुए हैं ना, तो पहले जस्ट थिक होता है, जैसे ही ओवुलेशन होने वाली होती है आप देखेंगे इतना ज़्यादा कॉपियस हो जाता है, इतना ज़्यादा इंक्रीज स्लिपरी, जैसे बिल्कुल ही आपने जैसे अंडा नहीं होता, अंडे पे आप लेके फिंगर्स के स्ट्रेच करो तो थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में वो स्ट्रेच हो जाता है, स्लिपरी बिल्कुल होगा। कभी कभी आपने देखा होगा पैंटी के ऊपर आपको इस तरह की सेक्रीशंस मिलती हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ओवुलेशन होने वाली है। आप उस टाइम पे अपना अच्छे से कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्डम वगैरह यूज़ करिए या फिर सेक्स को उस टाइम पे अवॉइड कीजिए। अच्छा, इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं कि इंटरकोर्स तो कर लिया है, इजेकुलेशन भी अंदर ही हो गई है, ये भी नहीं कि उन्होंने ये वाला मेथड यूज़ किया है, उसके बाद वो भागते हैं वॉशरूम में
फटाफट या तो नहा लेते हैं या फिर यूरिन पास कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के वजाइनल डूशिंग करते हैं कि हमारा जो स्पर्म्स हैं वो बस निकल जाए। देखिए सीमेन निकल जाता है लेकिन जो स्पर्म्स हैं वो कोई एक स्पर्म थोड़े ना है, वो तो मिलियन और ट्रिलियन अमाउंट में है ना। तो जैसे ही आपका इंटरकोर्स होता है जिस स्पर्म ने आपके यूट्रस तक जाना होगा वो ऑलरेडी जा चुका होगा। उसके बाद आप चाहे जो मर्जी कीजिए, चाहे आप सीमेन जो है वो वॉश कर दीजिए चाहे बॉडी से, बट स्टिल देयर इज़ अ चांस कि प्रेगनेंसी हो। तो ये चीज़ें आपको बाद में जो दिक्कत देती है, फिर बाद में आप कॉन्ट्रासेप्शन के पीछे भागते हैं, तो पहले से ही ये चीज़ें ध्यान में रखिए कि ऐसा नहीं है कि इंटरकोर्स अच्छे से कर लिया है और फिर आप भागे हो यूरिन पास करने के बाद और आपका जो सारे स्पर्म्स है, जो सारा सीमेन है वो चला गया। ऐसा नहीं होता। स्पर्म को इतनी स्पीड से वो जाते हैं, इतनी उनकी वो रफ्तार होती है कि जिन्होंने पहुँचना होता है वो पहुँचे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट है लैक्टेशनल एमिनोरिया। अगर आपकी डिलीवरी हुई है और विद इन 6 मंथ अगर आप ब्रेस्ट फीड ही करवा रहे हैं, उसमें क्या है कि अगर आप दिन में हर 4 घंटे पे ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, ठीक है, और रात में हर 6 घंटे पे अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक है। फर्स्ट 6 मंथ्स में जब आप बच्चे को फीड करवा रहे हैं और सिर्फ अपना ही फीड करवाते हैं, कोई ऊपर का फीड नहीं देते हैं, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, और आपके पीरियड्स भी नहीं आए हैं, अगर पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर थे, पीरियड्स अब नहीं आए हैं, तो ये मेथड 98% इफेक्टिव है। बहुत अच्छा मेथड है अगर आप इसको फॉलो करें कि सिर्फ आपको ब्रेस्ट फीड करनी है। मगर ध्यान ये रखिए कि दिन में हर 4 घंटे पे आपको फीड करवाना है, मतलब मिनिमम 4 घंटे पे, उससे कम में भी करवाओ वो तो ठीक है, मगर मिनिमम 4 घंटे का गैप होना चाहिए और रात में मिनिमम 6 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे 3 मेथड। पहले मैंने आपको बताया फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड, जिसमें आपको अपना साइकिल का ट्रेस करना है, दूसरा है कोइटस इंटरप्टस, जिसमें आपको विड्रॉ कर लेनी है, और तीसरा है लैक्टेशन एमिनोरिया। ठीक है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो मेथड्स हैं ये ऐसा नहीं है कि इनके फेलियर रेट्स कुछ नहीं है, फेलियर रेट्स हैं, इसलिए जब भी आप इनको यूज करें बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर कि मेरी फर्टाइल विंडो क्या चल रही है, क्लब करके यूज कीजिए कि फर्टाइल डेज भी आपको पता हो, जिस टाइम पे फर्टाइल पीरियड है बहुत ज्यादा चांसेस है प्रेगनेंसी के, उस टाइम पे आप कोइटस इंटरप्टस जैसी अवॉइड कीजिए, अगर करना ही है तो साथ में कॉन्डम यूज कर लीजिए। ठीक है। मतलब इस तरह से आप मिला जुला के सारे मेथड्स को अपनाइए तो ऑब्वियसली 95% तक आपकी जो प्रेगनेंसी है वो प्रिवेंट हो सकती है। ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर कोई और क्वेश्चन है आप हमें कमेंट कर दीजिए, मेल कर दीजिए, या फिर नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज कीजिए, हमारी जो टीम है वो आपको कनेक्ट करेगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिशा।